क्योंकि जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इंडिया गठबंधन पर सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कल की बैठक में सपा नेता रामगोपाल यादव ने और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग के मामले को उठाया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि जिन राज्यों में विवाद के आसार हैं वहां पर सीटों के बंटवारे पर जल्द ही चर्चा होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सितंबर महीने में सीट के मुद्दे पर फॉर्मूले को फाइनल कर लिया जाना चाहिए। वहीं जेडीयू के नीतीश कुमार, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी फैसला हो वो जल्दी हो क्योंकि समय कम है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने बैठक में आशंका जताई कि सरकार जल्दी चुनाव करवा सकती है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक संयोजक और गठबंधन के चेहरे पर चर्चा नहीं हुई। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। नीरज, मैं आपके पास आती हूँ। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर घमासान मचा हुआ है, जिन पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात यह नीरज कि कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है, इतनी देरी क्यों हो रही है? चलिए नीरज से इसका जवाब लेंगे। विवेक, यही सवाल मेरा आपसे है। जसप्रीत, देखिए जिस तरह से विज्ञान जी बता रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर दो पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव के पार्टी सपा पार्टी, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत करना चाहती हैं और क्लियरेंस चाहती हैं कि जब इंडिया अलायंस की मीटिंग है तो सीट शेयरिंग को लेकर ये मुद्दा उठे। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पूरे सीट शेयरिंग बातों पर कुछ भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बातचीत नहीं शुरू हो रही है। तो जो ये इंडिया अलायंस है उसमें सारे लोग तय करेंगे लोगों क्या होगा, कन्वेयर होगा तो कौन होगा, 11 लोग की कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि जो सूत्र बताते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो पार्टी है, चाहे हम उद्धव बाला ठाकरे की शिवसेना की बात करें या फिर कांग्रेस एनसीपी की बात करें, उन्होंने जो जानकारी दी है उन्होंने सूत्रों के मुताबिक उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस जगह पर जो पार्टी मजबूत होगी वो वहां पर दावा करेगी वो सीट उस पार्टी को मिले। लेकिन इसको लेकर देखिए 28 दल है पूरे इंडिया अलायंस में, इसको लेकर भी मतभेद हो रहे हैं कि मजबूत पार्टी ही क्लेम क्यों नहीं करेगी, दूसरी पार्टी जो नई पार्टी जो नया चेहरा उसको क्यों ना मौका मिले, क्योंकि एक इलाके में एक जगह पर जो लोग कह रहे हैं, जो रीजनल पार्टीज कह रहे हैं कि मजबूत जगह पर जो पार्टी मजबूत है उसको वहां पर सीट मिलनी चाहिए। मतभेद काफी ज्यादा है और जो डिफरेंसेस है वो काफी ज्यादा है, उसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल थोड़ा शांत है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरी मीटिंग में बताया जा रहा है जो 11 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी, इन 3 घंटों में इंडिया अलायंस के लेकर सारे मुद्दे पर बातचीत होगी, सारे जो नेता एक साथ बैठेंगे वो बातचीत करेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जो सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए ही इंडिया अलायंस के 28 दल वो एक साथ आए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर दो पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि इसके डिस्कशन होना चाहिए, कौन कितनी कौन कौन पार्टी किसकी जगह से लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते यहां पर होगी लेकिन तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन विपक्ष की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे और संयोजक पद को लेकर बयानबाजी ने इंडिया की एकजुटता पर अभी भी सवाल खड़े कर रखे हैं और इसी को आधार बनाकर जहां पर बीजेपी हमले कर रही है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि सारे मसलों पर दलों के बीच सहमति बन जाएगी। ...2024 के महासंग्राम में मोदी का मुकाबला करने के लिए 28 दलों का विपक्षी दल जो गठबंधन बनाने में जुटा हुआ है उसमें अभी से सिर्फ उठावल शुरू हो गई है और महासंग्राम से पहले सज रहे गठबंधन के इस मंच में जो लड़ाई है वो इसकी कमान संभालने और 2024 में जीत जाने की सूरत में प्रधानमंत्री की कुर्सी के हकदार को लेकर है, जिसके लिए खास तौर पर चार चेहरे सामने आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, कांग्रेस के राहुल गांधी, जेडीयू के नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये वो चार चेहरे हैं जो खुद तो पीएम पद के लिए कुछ नहीं कर रहे लेकिन जिनकी पार्टियां रह रहकर इनके लिए फील्डिंग करती नजर आती हैं। जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के पोस्टर इन सब पोस्टरों में से बिल्कुल अलग है। इस समय हम होटल हयात के बाहर खड़े हैं जहां पर ये मीटिंग होने वाली है, लेकिन जेडीयू के पोस्टर में देखिए सबसे अहम लाइन लिखी हुई है, देश मांगे नीतीश, यानी कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू के नेता हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी मांग है कि इंडिया अलायंस के जो पीएम फेस हो वो और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार हो।
इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन बाद में उनकी पार्टी ने इस पर सफाई पेश की। कल आप ही की पार्टी की प्रवक्ता के बयान के बाद ही ये कंफ्यूजन हुई, फिर तमाम नेता कई बार भावुकता में कई बार व्यक्तिगत तौर पे कुछ लोग अपना बयान दे देते हैं, हमारे प्रवक्ता ने भी बयान दिया, लेकिन जहां तक पार्टी का आधिकारिक बयान है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की किसी दौड़ में नहीं है, किसी रेस में नहीं। जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मुंबई में होने वाली बैठक में भी ये तय नहीं होने वाला कि इंडिया गठबंधन के लिए 2024 के रण में पीएम पद का चेहरा कौन होगा। लेकिन गठबंधन के मुख्य सियासी दलों में खेल जारी है और कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं नहीं, कांग्रेस के वर्कर कहने से कहीं सकुचा नहीं रहा है। कांग्रेस के एक एक वर्कर का ख्वाब है, सपना है, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज इस इंडिया की मीट हो रही है, गठबंधन हो रही है, उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये हो, ये हम नहीं कहना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार इंडिया के गठबंधन से जुड़े सभी लोग जीत जाए, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, उसके बाद सभी नेता लोग मिलकर तय करेंगे। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की मनोदशा की बात है, कार्यकर्ताओं की मनोकामना की बात है, कार्यकर्ताओं की अपनी जो भावनाओं की बात है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को हर कांग्रेसी अपना प्रधानमंत्री देखना चाहता है। एक तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन अभी अपने नेतृत्व पर ही पशुपेश में है, तो वहीं बीजेपी के जोरदार हमले नहीं रुक रहे। पहले इंडिया नाम पर हमले हुए, उसके बाद गठबंधन में शामिल दलों की मंशा पर सवाल उठाए गए, और अब बीजेपी दावा कर रही है कि ये सारी जद्दोजहद स्वार्थ के लिए हो रही है और इसी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए घमासान चल रहा है। पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास, कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने, वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा? आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी, देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती है, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे, एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पर लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पर ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पर नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? फिलहाल 2024 से पहले 28 दलों के गठबंधन को यह तय करना होगा कि जिन राज्यों में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं वहां पर लोकसभा चुनाव में एक साथ किस फॉर्मूले के तहत सियासी संग्राम में उतरेंगे, मतलब किस तरह से लोकसभा सीटों का बंटवारा करेंगे।